रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन क्या होता है? रैंडमाइजेशन इज फुलफिल्ड इफ द गिवन टू ब्लू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। व्हाट इज दीज टू कंडीशन? वन इज द लेवल ऑफ वेक्टर आर असाइंड इन द रैंडम फैशन टू एक्सपेरिमेंट यूनिट। यानी कि जो भी हम फैक्टर्स को लेवल प्रोवाइड करवा रहे हैं वो रैंडमली प्रोवाइड करवाएं। द लेवल ऑफ फैक्टर आर असाइंड इन रैंडम फैशन टू एक्सपेरिमेंट यूनिट। देन सेकंड कंडीशन इज द ऑर्डर इन विच द एक्सपेरिमेंट इज The order in which the experiment is raised or queued out after the assignment of level have been done is also random in nature। यानी experiment से जो result आ रहा है, in order in which the experiment is queued out or experiment is carried out after the assignment of level, then done is also random in nature। तो दो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। एग्जाम्पल के लिए सपोज ए टीचर वांट टू स्प्लिट द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इंटू टू ग्रुप्स। देयर कैन बी मेनी वेज ऑफ डूइंग इट, वन ऑफ देम बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल और फीमेल, but this will lead to extraneous factor। therefore the least way or best way is to split the class randomly। so best way है, अगर क्लास को हमें सेपरेट करना है तो इसका सबसे बेस्ट वे है कि रेंडमली हम उनको सेलेक्ट करते हैं, ना कि जेंडर के बेसिस पे। thus randomization prevent the extraneous of the occurrence of the extraneous factor, यानी जो भी extraneous factor उत्पन्न होते हैं उनसे हमें randomization बचाती है, which may undermine the perform and may render the experiment useless। तो according to that we can determine or undermine the perfect and may render to the experiment useless। बट रैंडमाइजेशन कैन नॉट बी यूज ऑलवेज और इट इज ऑलवेज नॉट प्रैक्टिकल टू असाइन द लेवल रैंडमली। तो हमेशा ये प्रैक्टिकली सही नहीं है कि हम हमेशा ही जो भी एक्सपेरिमेंट को लेवल कर रहे हैं या लेवल असाइन कर रहे हैं वो रैंडमली करें। दैट इज टेम्परेचर चेंज इन द फर्नेस। तो फर्नेस में जो टेम्परेचर चेंज होता है वो उसे रैंडमली हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा रैंडमाइजेशन का ही एक्सपेरिमेंट में प्रयोग किया जाए। वन ऑफ द रिसर्चर ही सेड और हैज सेड दैट रैंडमाइजेशन मस्ट बी यूज्ड randomization must be used if it is slightly complicated the design। it should not be used if it is complicated the experiment more than slightly। तो अगर हमें ये randomization complicated कर रही है experiment को तो हम इसको use नहीं करेंगे। after we can see replication। what is replication? it means to start from the start or research। रिप्लिकेशन क्या होता है? इट मीन्स टू स्टार्ट फ्रॉम द सर्च, डिजाइन द एक्सपेरिमेंट अगेन, रीसेटिंग ऑल द लेवल। यानी रिप्लिकेशन क्या होता है? जब हम एक्सपेरिमेंट के ऑल लेवल को वापस से रीसेट करते हैं। एज इफ वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इट कंसिडर्ड एज रिप्लिकेशन।
अगर हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये कहलाता है रेप्लीकेशन, रीसेटिंग द ऑल लेवल ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड डूइंग फॉर द एक्सपेरिमेंट, देन इट इज कॉल्ड रेप्लीकेशन. द रेस्पॉन्स वेरिएबल ऑब्टेंड फ्रॉम द रेप्लीकेशन, द रेस्पॉन्स वेरिएबल ऑब्टेंड फ्रॉम द रेप्लीकेशन कैन बी यूटिलाइज फॉर एस्टिमेशन ऑफ वेरियंस ऑफ एरर. यानी जो भी रिप्लीकेशन से जो भी रेस्पॉन्स वेरिएबल हमारे पास में आ रहे हैं उनको हम वेरियंस ऑफ एरर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी वेरियंस ऑफ एरर एस्टिमेट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. व्हाट इज रिपीटेड मेजरमेंट, मेकिंग मल्टीपल रीडिंग इन द एक्सपेरिमेंट, मेकिंग मल्टीपल रीडिंग इन एन एक्सपेरिमेंट दैट्स और विदाउट रीसेटिंग द अरेंजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी रिपीटेड मेजरमेंट. यानी कि जो भी पैरामीटर जो भी अरेंजमेंट है उन्हें रीसेट नहीं करना है और हम मल्टीपल रीडिंग लेते हैं उसे कहते हैं रिपीटेड मेजरमेंट. मेकिंग मल्टीपल रीडिंग इन एन एक्सपेरिमेंट विदाउट रीसेटिंग द अरेंजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी रिपीटेड मेजरमेंट. मल्टीपल रीडिंग में लीड टू अंडर एस्टिमेटेड ऑफ द वेरियंस ऑफ एरर सिंस मल्टीपल रीडिंग माइट बी सेम. यानी मल्टीपल रीडिंग है वो क्या है, वेरियंस ऑफ एरर को अंडर एस्टिमेट करती है, तो ये सेम भी हो सकती है मल्टीपल रीडिंग और अलग भी हो सकती है. The seven step for design the experiment as proposed by Coleman and Montagri 1993 are is follows. यानी जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए जो सेवन स्टेप है जो कॉलेमन एंड मॉन्टेगरी 1993 के द्वारा दी गई है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए सेवन स्टेप, वो कौन कौन सी है. पहली स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये फर्स्ट स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. इट्स ऑब्जेक्टिव और इट्स स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी हमें एक्सपेरिमेंट में क्या करना है उसका स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेप में हम देते हैं. देन नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं इसमें तो जो भी हम स्टेटमेंट देते हैं वो स्टेटमेंट शुड बी स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड. जो भी हमने स्टेटमेंट दिया है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसके अंदर कोई मिस्टेक या गलती नहीं होनी चाहिए. सेकंड जो स्टेप है वो है चॉइस ऑफ लेवल, यानी लेवल की चॉइस करनी है हमें. चॉइस ऑफ लेवल में क्या आएगा, वेरियस लेवल कैन बी सिलेक्टेड फॉर एग्जाम्पल हाई और लो लेवल. तो चॉइस ऑफ लेवल में हम वेरियस लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि हाई और लो सेलेक्ट कर सकते हैं. थर्ड आता है सिलेक्शन ऑफ फैक्टर, सिलेक्शन ऑफ फैक्टर में आता है देयर इज सेवरल फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, दीज कैन बी कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड फैक्टर, सो वेदर कंडीशन और अदर टाइप ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एक्सपेरिमेंट. तो जो सिलेक्शन ऑफ फैक्टर करते हैं वो कंट्रोल भी होते हैं अनकंट्रोल भी होते हैं. तो वेदर कंडीशन है, ये सभी क्या है, जो भी मौसम की परेशानियां हैं, मौसम की जो स्थितियां हैं, सर्दी गर्मी बरसात और जो भी मौसम की कंडीशंस होती हैं वो एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट करते हैं. तो कुछ फैक्टर अनकंट्रोल होते हैं और कुछ फैक्टर कंट्रोल होते हैं. उनमें से देखते हैं फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं. इफ द लेवल ऑफ फैक्टर आर फिक्स्ड इट इज फिक्स्ड फैक्टर, अगर लेवल ऑफ फैक्टर फिक्स्ड है तो वो फिक्स्ड फैक्टर कहलाएगा. रैंडम फैक्टर क्या होगा, इफ देयर इज ए रेंज ऑफ लेवल अवेलेबल फॉर द फैक्टर देन द एक्सपेरिमेंटर कैन रैंडमली चूज द असाइनमेंट लेवल. तो रैंडम फैक्टर क्या होता है, अगर रेंज कोई अवेलेबल है लेवल के लिए, यानी रेंज ऑफ द लेवल अवेलेबल फॉर द फैक्टर, तो एक्सपेरिमेंटर क्या कर सकता है, रेंडमली उनमें से कोई नहीं असाइनमेंट लेवल है वो चूज कर सकता है. तीसरा होता है क्वांटिटेटिव फैक्टर, क्वांटिटेटिव फैक्टर क्या होता है,
the level of quantitative factor is little practical. The example of quantitative factor including cutting speed of the tool. तो ये critical factor होता है, quantitative factor है. जैसे कि example के लिए हम क्या देखते हैं, cutting speed of the tool, तो ये critical है. यानी fixed speed हमें रखनी होती है, critical speed है. critical speed से ज्यादा speed हो जाएगी तो problem हो सकती है. तो ये quantitative factor है. ये क्या है, quantitative factor is little critical and the example of quantitative factor including the cutting speed of tool. After that ये है क्वालिटेटिव फैक्टर. क्वालिटेटिव फैक्टर क्या होता है, इट डज नॉट हैव मेजर इश्यू. क्वालिटेटिव फैक्टर का कोई ज्यादा इश्यू नहीं होता है. उसके बाद में फोर्थ स्टेप हम देखते हैं, चॉइस ऑफ डिजाइन. चॉइस ऑफ डिजाइन में क्या है, बेस्ड अपॉन टू द फैक्टर एन एप्रोप्रिएट डिजाइन शुड बी अप्लाइड टू द एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट में हम अप्रोप्रिएट डिजाइन है वो अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ डिजाइन. आफ्टर दैट कंडक्टिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये फिफ्थ स्टेप है कंडक्टिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट. आफ्टर डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट इट कैन नाउ कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कंडक्टिंग अगर सक्सेसफुली होगी उसके बाद में करेंगे हम एनालिसिस. एनालिसिस में डेटा एनालिसिस करते हैं. डेटा एनालिसिस क्या होता है, इन डेटा एनालिसिस दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट वेयर डेटा इज इंटरप्रेटेड या इंटरप्रेटेड एंड एनालिसिस यूजिंग एनोवा एंड एनोवा टेक्निक. तो डेटा जहां पर होंगे वहां पर हम डेटा एनालिसिस करेंगे और यहां पर डेटा एनालिसिस के लिए हम एनोम या एनोवा टेक्निक है उसका उपयोग करते हैं. फिर कंक्लूजन और रिकमेंडेशन क्या है इसके लिए, फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड एंड सम चेंजेज और इम्पोर्टेंट रिजल्ट मे बी रिकमेंडेड फॉर द फ्यूचर. तो अकॉर्डिंग टू रीडिंग वी कैन रिकमेंड द रिजल्ट फॉर द फ्यूचर यूज एंड दिस प्रॉब्लम वी फेस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट are considered here and recommended for the future experimenter. इसके बाद में देखते हैं एनोम क्या होता है. एनोम होता है एनालिसिस ऑफ मीन. एनालिसिस ऑफ मीन एनोम कंपेयर एक्स आई अगेंस्ट एक्स डबल बार. यानी कि एनोम क्या है, वन कंपेयर एक्स आई बार अगेंस्ट दी एक्स डबल बार. वेयर एक्स आई मीन ऑफ दी ऑब्जर्वेशन एंड एक्स डबल बार एवरेज ऑफ ऑल मीन. एक्स आई क्या है, मीन ऑफ दी ऑब्जर्वेशन है और एक्स डबल बार है एवरेज ऑफ ऑल मीन. सो डिजाइन लाइन इज डिटरमाइंड बाई और डिसीजन लाइन इज डिटरमाइंड बाई एक्स डबल बार प्लस माइनस एच एल्फा के वी एंड एच टाइम्स अंडर रूट के माइनस वन डिवाइड बाई के एन. वेयर के इज नंबर ऑफ लेवल, एन इज ऑब्जर्वेशन. सो के इज नंबर ऑफ लेवल, एन हियर एन इज ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. एच इज एस्टिमेटेड ऑफ वेरियंस. सो एच इज एस्टिमेटेड ऑफ वेरियंस एंड एल्फा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द hypothesis that is being tailed for. So alpha is the probability of the rejecting the hypothesis that is being tailed for. What is enum? Enum is a graphically procedure and it is similar to the curve or chart or control chart. That's why it is a process see to compared. It means all the level are plotted and checked whether or not they lie between the decision line or not. For example, this is the enum
for randomized complete design. So this is the ANOM for randomized complete design. This is the decision line, and this is also decision line. Between the decision line, we can check the ANOM variance is lie or not. Let's level 1, 2, 3 have the value 765. Level 1, 2, 3 have the value of 765. And then all mean line will inside the decision line. So all the mean line 5, 6 and 7 all are inside the between the decision line. After that we can study the single factor. What is the single factor? What is the design efficiency, square design, Latin square design? What is Latin square design? So according to Latin square design, to study the effect of a single factor is importance. To study the effect of a single factor is importance to expected blocking. Extraneous factor, Latin square design can be used. So Latin square design hum kahan par use karte hain? To study the effect of single factor in presence of two extraneous factor or expected factor, expected blocking. Expected blocking में हम single factor के influence को या single factor के presence को check करने के लिए या study करने के लिए हम क्या करते हैं, Latin square design method उपयोग करते हैं. Latin square का model क्या है? Model ये है कि yij होता है, वो होता है mu plus ai plus RJ plus CL plus TIJK. So TIJK, so ये आप रखिए है, CK है, mu plus या YIJ equal to Y plus AI plus RJ plus CK plus TIJK है. तो ये क्या है, सभी ब्लॉकिंग फैक्टर है. ये ब्लॉकिंग फैक्टर है, R भी ब्लॉकिंग फैक्टर है, C भी ब्लॉकिंग फैक्टर है. तो Y क्या है? Y है हाफ मीन कहलाता है. Y Y इज स्मॉल मीन और हाफ मीन. एंड AI इज इफेक्ट ऑफ ith एक्सटर्नियस फैक्टर. सो अकॉर्डिंग टू दैट we can check the extraneous factor I, effect of ith extraneous factor, and RJ is jth block extraneous factor. So RJ means jth block extraneous factor, and CK or ITK kth block impact. So according to that EIJK or TIJK error term which is randomly to be normal to the distribution. So IIJK error term which is assigned to have normal distribution, it means equal to 0, then variance same for each level. Agar means ki value agar 0 aati hai to iska matlab kya hai, variance hai wo same hai each level ke liye, wo hum consider kar lete hain. Iske baad mein hum dekhte hain ki now there is a degree of freedom left for error term. So there is a degree of freedom. Now there is a degree of freedom left for error term. Hence you, unless the design is replicated, the smallest design would be 4 into 4 that permit analysis. So 4 into 4 is the best way to design the experiment.